कि सारे पिजन जो है ना वो पूरे हो चुके हैं और जो है ना वो एक नहीं आया, वो कहीं चला गया। और ये देखें जी, इसको अभी जो है ना वो खुराक मिलना शुरू हो गई। ये तो बहुत ही मुझे लगता है उधर बैठ गया। वो देखें वो देखें, माशाल्लाह चेक करिए कितना प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमारी दोनों मुर्गियां आपस में लड़ी और एक को जख्मी कर दिया उसने। अब मुर्गियां ये नहीं पता आप उनको चूचे कह सकते हैं, असील मुर्गे कह सकते हैं, क्योंकि जब तक वो बड़े नहीं होंगे हमें नहीं पता लगेगा कि ये जो है ना वो मुर्गियाँ या मुर्गे हैं, क्योंकि अभी वो जो है ना वो चिक है। हम लोग चिक लेके आए थे, अभी वो ऐसा ऐसा बड़े हो रहे हैं, अभी एक दो माह लगेंगे इनको बड़े होने में। आप लोग देख सकते हैं भाई ऊपर आ गए और इन्होंने जो है ना वो पिजन उड़ाना शुरू कर दिए और काफ़ी सारे उड़ना भी ऊपर भी गए हुए हैं, काफ़ी ऊपर चले गए, दो तीन जो है ना वो ऊपर आसमान में चले गए। और लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी कहा था कि जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक जो है ना वो अपना हेंस का जो है ना वो केज तैयार कर लेंगे और वो तैयार हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, भाई जो है ना वो ऊपर कबूतर उड़ाने में बिजी हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ जो अभी जो है ना वो ऊपर आसमान में फ्लाइंग कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को जो है ना वो मुर्गियों का घर दिखा दूँ। ये देखिए जी, ये हम लोगों ने जो है ना वो केज रेडी की है, इसकी दो पार्टीशंस की हैं और काफ़ी खुला बनाया है। और पहले जो है ना वो छोटे से केज में इनको बंद किया हुआ था और वो छोटा होने की वजह से ना ये आपस में लड़े हैं और एक दूसरे को ज़ख्मी कर दिए। और अभी जो है ना वो काफ़ी बड़ा हम लोगों ने किया है इन दोनों को सेपरेट बंद करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने जो है ना वो अभी तक तो एक ही केज में इनको बंद किया हुआ है। ये दो इनके जो है ना वो दरवाजे हैं, आप देख सकते हैं। भाईजान कबूतरों को बुला रहे हैं जो आसमान में गए हुए हैं, वो देखिए जी। अच्छा जी, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट प्लान है ना वो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग बटेरों का घर बनाएंगे और रैबिट्स का हो सकता है उस कॉर्नर में या इसके साथ ही यहाँ पे जो है ना वो छांव रहती है, या हो सकता है मे बी ये क्यारी ख़त्म कर दें और जो है ना वो इधर प्लान कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने काफ़ी बड़ा केज बनाया है इनको सेपरेट बंद करने के लिए, लेकिन चूँकि ये अभी लड़ नहीं रहे इन लोगों को जो है ना वो हम लोगों ने इकट्ठा ही बंद किया अभी, और आज दूसरा दिन है, बिल्कुल इन्होंने लड़ाई नहीं की। वो छोटा केज होने की वजह से शायद इनको भूख लगी थी, बाहर आना चाह रहे थे और क्या वजह बनी अल्लाह ही जानता है, तो ये इन्होंने लड़ाई की। अभी हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि अगर ये लड़ेंगे तो इन दोनों को जो है ना वो सेपरेट बंद कर देंगे हम लोग। जो उसका सर जख्मी हुआ था और वहाँ पे हम लोगों ने उसको हल्दी लगाई है और तेल लगाया। भाईजान हल्दी और तेल लगाया था ना, हल्दी लगाई थी और तेल, हाँ हल्दी और तेल जो है ना वो उसको लगाया था हम लोगों ने और वो रिकवर हो गया काफ़ी, थोड़ा सा जख्म रहता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये मुर्गियों का घर है। ये देखें जी, इसने जो है ना उसकी पिटाई की थी और ये है वो, इसका सर देखें जी, हल्दी लगी हुई है और जो है ना वो काफ़ी ठीक रिकवर हो चुका है, आप देख सकते हैं। घर आप लोगों को पसंद आया होगा, ये देखें जी, बिल्कुल सेपरेट। अभी वो ऊपर से जो है ना वो बारिश की वजह से अभी कवर करना है इसको, ताकि जो है ना वो बारिश का पानी ना आए, और डोर भी काफ़ी बड़े हैं। तो जी, जैसे ही ये बड़े हो जाएंगे और तो इस इनके साथ का जो है ना इनको पेयर पूरा करेंगे, तो इंशाल्लाह इनसे भी जो है ना वो हम अंडे भी लेंगे और फिर उनसे बच्चे भी निकालेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में आप लोग भी देखेंगे, जैसा कि हमने जैसे ही ये चैनल को शुरू किया और आपने देखा कि हम लोग सिर्फ पेयर लेके आए थे पिजन्स के, कुछ पेयर थे उनमें से अंडे निकले फिर बच्चे निकले, और अभी जो है ना वो कितने ज़्यादा हो चुके हैं ये आप लोग के सामने ही है। अभी तकरीबन एक डेढ़ माह होने वाला है हमें इस चैनल को शुरू किए, तो आपने उनकी ग्रोथ चेक की है। तो अभी जो है ना वो नेक्स्ट जो है वो मुर्गियाँ और उसके बाद जो है ना वो बटेरे उसके साथ और फिर जो है ना वो खरगोश वगैरह, और ऐसा ऐसा इसी तरह से जो है ना ये चलता जाएगा।
चलते हैं अंदर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो है ना वो अभी बाकी की फैंसी कबूतरों की प्रोग्रेस क्या है। पहले जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई ने जो पिजन उड़ाए थे ना उनमें से काफ़ी वापस आ चुके हैं। एक वो है और दो ये अभी ऊपर बैठे हुए हैं। कितने रह गए भाई जान? दो रह गए, एक तो ये, दूसरा नहीं नजर आ रहा। एक तो उधर जाके बैठ गए, वो किधर गया? हाँ जी ये यार, ये तीन पूरे हो गए हैं यहाँ पे। और वो तो हमारा नहीं है, वो सामने वो कौन सा है, व्हाइट कलर का? वो किधर गया आप? लो तो नहीं आएगा वापस, किसी के हाथ ना लगा तो फिर तो आ जाएगा। ले तो वो तो लग जाना किसी के हाथ, हम लोगों ने तो किसी का पकड़ा नहीं है और हमारे पकड़ लिए होंगे किसी को। फिर अब नहीं, ये ऊपर जो बैठे हुए हैं ये आ जाएंगे नीचे? जी बाकी सारे पिजन जो है ना वो पूरे हो चुके हैं और जो है ना वो एक नहीं आया, वो कहीं चला गया। वो उन पे तो नहीं बैठ गया हुआ, वो जो लोगों ने बनाए हुए हैं जाल वगैरह उन पे तो नहीं बैठ गया वो? मुझे लगता है वो आप देखेंगे वो उधर तो नहीं बैठ गया उस जाल के ऊपर, वो व्हाइट कलर का है ना, मुझे भी लग रहा है उधर बैठ गया या इस वाले जाल पे ना बैठ गया हो। नहीं उधर भी नहीं है, मुझे लगता है उधर बैठ गया। वो देखें वो देखें, वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जाल है ना मां, ये सब कबूतर पकड़ने वाले ही। अच्छा आप उड़ाने वाले काम ही है, इतने ज्यादा तो जाल। हाँ जी वो देखिए तीन तो वो सामने ही है, एक ये ऊपर आके बैठे तो कब हम पकड़े। अच्छा हाँ ये हर वक्त हिंद आर्मी रहते हैं कि किसी का आग ऊपर बैठ गए और हम पकड़ लें। अच्छा अच्छा वो बिल्ली वो देखें जी, वो नीचे बागी। ये फिर आएगी, चलिए जी अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। और ये जी भाईजान इनका बजरी का भी कुछ कर लें, ये तो नहीं देंगे अंडे बच्चे है ना, मुश्किल ही लग रहा है मुझे भी। और रैबिट बाहर आना चाह रहा है, इसको खोल दे फिर, रैबिट को भी खोल देते हैं। ले जी हमारे क्वाइल बागो भी बागो बागे। चलिए ये डैनिश का पेड़ है जी, ये इधर आके फैल रहा है और ये इसका चिक है, आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह चेक करिए जी कितना प्यारा है, माशाल्लाह काफी बड़ा हो चुका है। इसकी टांगे जो है ना वो बड़ी लंबी लंबी सी है, इसको जो है ना वो अभी वापस बिठा देते हैं। ये आ गया जी ऑक्टर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो तीन पड़े हुए हैं, ये छुपा हुआ है। अच्छा जी ये तीन इसलिए पड़े हैं कि जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि एक हमारा बच्चा जो है ना वो कम खुराक मिलने की वजह से मर गया, तो अभी यहाँ पे फिर ऐसा ही सेम सीन था कि जो है ना वो एक को कम खुराक मिल रही थी और एक को ज्यादा। तो जैसे ही हम लोग दाना वगैरह डालते हैं इनको तो इनके दाने का टाइम होता है, तो हम एक जो है ना वो जिसको ज्यादा खुराक मिली होती है वो उठा लेते हैं ताकि जो है ना वो दूसरे को ज्यादा खुराक मिल सके, और ताकि वो जो दोनों है ना वो जो है ना वो मरे ना, एक्सपायर ना हो।
एक को जिसको कम खुराक मिल रही है वो उसके नीचे ही रहने देते हैं ताकि जो है ना वो जैसे ही कबूतर दाना खा के जाएं और उसको सबसे पहले जो है ना वो खिलाएं। तो जैसे जैसे उसको मिलती जाएगी वो बड़ा होता जाएगा, थोड़ा सा भी बड़ा हो गया एक्टिव हो गया तो फिर इन दोनों को एक ही जगह पे कर देंगे ताकि जो है ना वो लड़े और मरे ना, दोनों को खुराक मिले और ये जो है ना वो एक्टिव रहे। आप लोगों ने देख लिया वहाँ पे तीन और यहाँ पे दो है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और ये देखें जी, इसको अभी जो है ना वो खुराक मिलना शुरू हो गई। ये तो बहुत ही छोटा रह गया था, एक दिन जो है ना वो हम लोगों ने इसे जो है ना वो सीरीलैक खिलाया और सीरीलैक दिया, आप लोग देख सकते हैं ये देखें। तो एक दिन इसको जो है ना वो हम लोगों ने सीरीलैक खिलाया, तब तो बिल्कुल ही ये मरने के करीब ही था, तो सीरीलैक की वजह से फिर जो है ना ये थोड़ा सा इसको खुराक मिली और ये थोड़ा सा एक्टिव हुआ और फिर जो है ना वो हम लोगों ने इसका जो है ना दूसरा एक बेबी जो है ना वो उठाना शुरू कर दिया। उसको उठाया तो इसको खुराक मिली, तो ये अभी जो है ना वो आप लोगों के सामने है। इसको रखते हैं वापस, कहीं पिजन गुस्सा ही ना कर जाए। नहीं जी, उसको वापस रख लिए। इनको जो है ना वो काफी कचरा और मिट्टी वाली जगह पसंद है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ना वो इसका घर बनाए और जगह आप लोगों को दिखा दी है, और वहां पे जो है ना फिर वो मिट्टी वगैरह डाल देंगे ताकि ये मिट्टी में जो है ना वो खेलते रहें और मजे करते रहें। तो जी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा मुर्गियों का केज भी रेडी हो चुका है और जो है ना वो नेक्स्ट जो प्लान है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, कि जो है ना वो कॉयल का हम लोग घर बनाएंगे और नीचे जो है ना उसके नीचे मिट्टी डाल देंगे ताकि जो है बटेरे उसमें खुश रहें, और फिर उसके बाद मिट्टी ज़्यादा ले आएंगे और जो है ना वो फिर हम लोगों ने खरगोशों का घर बनाना है और अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी बच्चे आप लोगों ने देख लिए हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं और हमारा एक पिजन उड़ गया, नहीं आया फिर तो क्या लगता है आएगा वो? मुझे लगता है जागला रहेगा अगर तो उसने पकड़ लिया हुआ जो हम लोगों ने अभी आपको दिखाया है तो उससे जाके ले आएंगे अगर उन लोगों ने दे दिया, नहीं तो अगर वो कहीं ऊपर ही है आसमान में अगर आ गया तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना भाई जान? हाँ, जैसे ही आ गया तो ये जानने के लिए कि वो वापस आता है कि नहीं हमारे साथ जुड़े रहे और नेक्स्ट वीडियो में लाजमी देखें हम लोग आपको दिखाएंगे कि वो वापस आता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।